अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे, जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। गर्मियाँ बहुत बढ़ गई हैं, गर्मी आपको पता है बहुत ज़्यादा हो गई है। सो गर्मी जब भी होती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको डिहाइड्रेशन होगी। बहुत ज़्यादा जो स्पेशली जो मजदूर भाई हैं जो बाहर काम करते हैं रोड पर या कहीं धूप में गर्मी में, बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनको डिहाइड्रेशन होगी। तो डिहाइड्रेशन सिंपल जुबान में आपकी बॉडी में पानी की जो है वो कमी हो जाएगी। तो जब आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी तो क्या हो सकता है, आपको सर में दर्द हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, आपकी बॉडी में निमकियात की कमी हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है, सिंपल जुबान में आपको पेचस लग सकते हैं, दस्त हो सकते हैं, आपको एक थकावट फील होगी, कोई काम करने को दिल नहीं करेगा, आपको अपने एनर्जी लेवल जो है वो बहुत कम लगेंगे। सो ये सारी चीज़ें जो है वो डिहाइड्रेशन की वजह से होती हैं। जब भी आपने देखा होगा गर्मियाँ आती हैं आपको कहीं ना कहीं सर में दर्द शुरू हो जाता है, आपको मोशन लग जाते हैं। सो आप सोचते हैं किस वजह से हो रहा है, तो ये डिहाइड्रेशन की वजह से हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन से कैसे बचे, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, इसका वाहिद हल है पानी, और ऐसे फल फ्रूट खाएं जिनके अंदर पानी का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप ये ORS ले सकते हैं। ORS जो है ये आप लेंगे, आप इसका एक पैकेट एक दिन में ले सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो होता है तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके इस्तेमाल करने से आप डिहाइड्रेशन से बचे रहेंगे, सर में दर्द होने से बचे रहेंगे, और डायरिया को भी काफ़ी हद तक ये ठीक करता है। सो आप जो है एक टेबलस्पून एक ग्लास पानी के अंदर डाल के इसको ले सकते हैं। चीज़ें जो नहीं लेनी है उसमें, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो आपने ये जो है ORS इस्तेमाल नहीं करना, या फिर आप मेडिसिन पे हैं हाई ब्लड प्रेशर की, तो क्योंकि इसके अंदर साल्ट होता है, सो आपका ब्लड प्रेशर ये ज़्यादा करता है। तो आप इसको जो हाई ब्लड प्रेशर वाले वो इसको इस्तेमाल ना करें, वो सिंपली पानी को ज़्यादा इस्तेमाल करें। पानी इस्तेमाल करने से आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी। इसके अलावा कैफीन जो जिन चीज़ों के अंदर है, जो कोई आप जैसे कोई पावर ड्रिंक आप ले रहे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, पावर ड्रिंक जो आप ले रहे हैं उनके अंदर जो भी आप लेते हैं उनके अंदर कैफीन बहुत ज़्यादा होती है। सो अगर आप कोई वो ले रहे हैं कैफीन वाली, कोई चाय ले रहे हैं, ज़ाहिर चाय लेंगे कैफीन होगी, कॉफ़ी लेंगे कैफीन होगी, तो कैफीन जिन चीज़ों के अंदर उससे अवॉइड करें। ये गर्मियों में बहुत बड़ी वजह होती है आपको डिहाइड्रेशन की आपकी। सो इन चीज़ों से अवॉइड करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, पानी ज़्यादा पिएं, और अपना ख्याल इसलिए रखें क्योंकि आपके प्यारों को आपकी बहुत ज़रूरत है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।